यार देखो, 1 महीने पहले तक इस मूवी के बारे में मैं जानता भी नहीं था, फिर इसका ट्रेलर आया और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका ट्रेलर। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि चलो इस मूवी को देखते हैं, इस उम्मीद में कि एक अच्छी खासी फनी मूवी होने वाली है। इस मूवी को अब मैंने देख लिया है और इसको देख के मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस पर तो ये मूवी नहीं उतरी, लेकिन ये मूवी उतनी खराब भी नहीं है, इसको तुम बीच में समझ सकते हो। सो चलो इस मूवी के बारे में पूरी बात करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में अच्छी खासी कॉमेडी होती है और एक दो जगह पे हंसी भी आती है। उसके बाद मूवी हमें तीनों कैरेक्टर्स की सिचुएशंस को समझाने लगती है। एंड यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि इन्होंने फेमिनिज्म से रिलेटेड या फिर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, वोकनेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं डाला है, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि करीना कपूर है तो पक्का कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ होगी। तो चलो स्टोरी के बारे में बात करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में कैरेक्टर्स मजे ले रहे हैं, ठीक है, बट उसके बाद उनको पता चलता है कि उनकी एयरलाइन की कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है और उन्होंने उनकी सैलरीज को भी पे नहीं किया है काफी महीनों से। और इस चीज के बाद उनको एक सीक्रेट और पता चलता है अपनी एयरलाइन कंपनी के बारे में, और वो सीक्रेट ये है कि इस कंपनी की प्लेन्स को यूज किया जा रहा है स्मगल करने के लिए गोल्ड को। यहाँ पे उनको एक अच्छा चांस लगता है कि कुछ कमाने को मिल जाएगा और वो एक हाइस्ट प्लान करते हैं, चोरी प्लान करते हैं। नाउ यहाँ तक मूवी मोस्टली मैच्योरली शो करती है सब कुछ। उनको पता है उनको जरूरत क्या है, तो वो ऐसे आइडियलिस्ट नहीं बनते कि नहीं यार ये गलत है लेट्स कंप्लेन, नहीं ऐसा कुछ नहीं करते वो लोग। सो वो वही करते हैं जो कि एक नीडी पर्सन करेगा जिसको जरूरत होगी। बट इस पॉइंट के बाद मूवी टोटली डाउनफॉल पे जाती है। वो प्लान करते हैं, चोरी भी कर लेते हैं बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती उनको। एंड ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं था, क्योंकि जो बंदे ऐसे बिजनेस में होते हैं ना, जो वो बहुत खतरनाक होते हैं एंड उनसे इतनी जल्दी आसानी से काम नहीं निकलवाया जा सकता। और यहाँ पे तो चुराने की बात हो रही थी, तो एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल दिया जाता तो मूवी काफी अच्छी होती, बट कुछ ऐसा नहीं था। और यहीं से मूवी मेरे को पसंद नहीं आई एज कम्पेयर टू इसके पहले वाले पार्ट से। मूवी की कास्ट प्रॉपर और बहुत टैलेंटेड है, तब्बू को मैं इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहूंगा। उनकी एक्टिंग जबरदस्त थी और वो काफी अच्छे एक्टर भी है। उनके अंधाधुन में जो पार्ट था वो तो लिटरली बहुत बढ़िया था। दिलजीत एक कस्टम ऑफिसर का रोल करते हैं, कपिल शर्मा भी है जो कि तब्बू के हस्बैंड का करेक्टर प्ले करते हैं। दोनों एक्सटेंडेड रोल में है, मतलब उनका ऐसे कोई मेन रोल है नहीं और वो अपने पार्ट को प्रॉपरली भी करते हैं। बट यहाँ पे मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका ह्यूमर, क्योंकि मुझे इसको देख के ऐसा लगा कि इसका ह्यूमर सबके लिए नहीं था। चलो मैं एक सीन बताता हूँ। सो मैं थिएटर में बैठा था और मेरे साइड में 30s के आसपास एक औरत बैठी थी और मूवी के सीन्स को देख के वो काफी हंस भी रही थी। तो मुझे कुछ महसूस हुआ कि कहीं मेरे ह्यूमर में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, मेरे को इन चीजों पे हंसी क्यों नहीं आ रही है। इनफैक्ट सच बताऊं तो ज्यादातर जो हंसी की आवाजें थी वो औरतों की या फिर लड़कियों की थी। सो ये कोई मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमर जो है वो सबके लिए अलग होता है। इस चीज ने मेरे को ये रियलाइज करवाया। तो अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है इस मूवी के बारे में, कमेंट जरूर कर देना। और यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज। अब कीर्ति सैनन, तब्बू और करीना कपूर को तो मैं बोल नहीं सकता, तुम्हें कहने के लिए मैं ही कह सकता हूँ। तो प्लीज यार कर दो सब्सक्राइब और मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।